हेलो एवरीवन, मैं हूँ सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पाइथन में इफ़ समझने वाले हैं। देखिए, इफ़ को समझाने के लिए तीन एग्जांपल हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं आपको जो सिचुएशन है वो समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको पाइथन में इफ़ बताऊँगा, ठीक है। तो जो पहला हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं, इसमें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि हम लोग को चेक करना है कि कोई भी पर्सन वोट दे सकता है या नहीं दे सकता है। पर्सन विल बी कास्ट देयर वोट और नॉट, है ना। तो इसके लिए क्या चाहिए, कोई पर्सन वोट दे सकता है या नहीं दे सकता है, इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, इसको मैं मिटा देता हूँ। उसके लिए हम लोग को एज चाहिए, बंदा का क्या चाहिए, एज चाहिए। अब बंदा का एज लेके हम लोग क्या करने वाले हैं, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के लिए हम लोग को दरकार पड़ेगा इफ़, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अगर उस बंदा का उम्र ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 होता है, तो इसका मतलब ये है कि बंदा वोट दे सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे पाइथन में, इस प्रकार से हम लोग कंडीशन देंगे और हम लोग फिर प्रिंट करके यहाँ पे हम लोग क्या दिखा देंगे, जो भी आपको मैसेज प्रिंट करना होगा वो आप मैसेज प्रिंट कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको दिखाना होगा एलिजिबल तो एलिजिबल लिख दीजिएगा, अगर आपको दिखाना होगा यस तो आप यस लिख दीजिएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और फिर यहाँ पर मैं लिख दूँगा एल्स, मतलब कि अगर 18 साल का बराबर या 18 साल से कम, मतलब 18 साल नहीं हुआ है उसका, तो इसका मतलब 18 साल से कम है, तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो वो एल्स वाला पार्ट रन करेगा। और एल्स वाला पार्ट में फिर यहाँ पे आपको जो इच्छा है वो दिखा दीजिए, जो इच्छा मतलब जैसे अभी मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ नो, नो का मतलब वो बंदा अभी वोट नहीं दे सकता है क्योंकि उसका उम्र 18 साल नहीं हुआ है। इसी चीज़ को चलिए मैं आपको पाइथन में भी करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए बंदा का एज लेना होगा। अब ये जो एज है मैं बंदा से लेने वाला हूँ, मतलब कि यूजर से लेने वाला हूँ, और ये इंटीजर फॉर्म में रहेगा नंबर में, इसीलिए INT लिखना होगा। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इनपुट लिखेंगे, फिर हम लोग ब्रैकेट देंगे और उसके बाद में यहाँ पे बोलेंगे इंटर योर एज और फिर यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब सिंपल यहाँ पे क्या करना होगा, इफ़ लिखना होगा और इफ़ लिखने के बाद में ऊपर में जो वेरिएबल है एज और फिर यहाँ इक्वल टू और यहाँ पे दे देना होगा 18, मतलब उस बंदा का उम्र अगर 18 साल है या 18 साल से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि बंदा वोट दे सकता है। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा यस, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर एल्स वाला पार्ट में यहाँ पर मैं लिख दूँगा प्रिंट और फिर यहाँ मैं लिखूँगा नो कि वो बंदा वोट नहीं दे सकता है। और जैसे ही मैं F5 दबाऊँगा और इंटर मारूँगा और फिर यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ 5 साल लिखता हूँ तो दिखाएगा नो, ठीक है, दैट मीन्स वो वोट नहीं दे सकता है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे F5 दबाऊँगा और फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा आपका 21 तो यहाँ पे दिखाएगा यस, ठीक है। आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। तो सबसे पहले उसी प्रकार से मैं आपको प्रोग्राम समझा देता हूँ कि नेक्स्ट प्रोग्राम जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्या है। यहाँ पे मान लीजिए कि हम लोग को चेक करना नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मतलब कि आप सबको पता ही होगा अगर मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करूँ तो 0 के बाद जो भी नंबर आता है वो सारा क्या होता है, वो सारा आपका पॉजिटिव नंबर होता है। और 0 का इधर जो भी नंबर आता है वो क्या होता है, वो आपका नेगेटिव नंबर होता है। तो यहाँ पे गौर करिएगा कि 0 के बाद जो भी नंबर आता है वो 0 से बड़ा होता है, 0 के बाद जो भी नंबर आता है वो 0 से बड़ा होता है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि नंबर को स्टोर करवाने के लिए एक वेरिएबल हम लोग एन ले लेते हैं, आप वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पर एन ले लेता हूँ, और इसके बाद में
यहाँ पे कोई भी नंबर वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, स्टोर अगर हम लोग करवा लेते हैं तो इसको चेक कैसे करेंगे? तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखूँगा कि अगर ये नंबर, फिर से इफ आ गया, इफ का मतलब होता अगर, तो मेरा यहाँ पे कहना है कि अगर एन जो है, अगर एन जो है अगर वो जीरो से बड़ा है, अगर वो जीरो से बड़ा है तो क्या होगा बताइए? जीरो से बड़ा है तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, है ना? तो बस यहाँ पे हम लोग क्या प्रिंट करवा देंगे, यहाँ पे हम लोग क्या प्रिंट करवा देंगे, पॉजिटिव प्रिंट करवा देंगे। और एल्स वाला पार्ट में क्या होगा, एल्स वाला पार्ट में क्या होगा भाई? ये जीरो से बड़ा नहीं है मतलब जीरो से छोटा है ना, तो फिर क्या प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे? नेगेटिव प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी को हम लोग पाइथन में भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऊपर में जहाँ पे मैंने एज लिखा है, बस मैं इस वेरिएबल को यहाँ चेंज करके एन लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पे इंटर योर एज के जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटर नंबर। और उसके बाद में अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे एन कर दे रहा हूँ, और उसके बाद में यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि एन का वैल्यू अगर जीरो से बड़ा होगा तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या प्रिंट करवा देंगे, पॉजिटिव, और यहाँ पे हम लोग क्या प्रिंट करवा देंगे, नेगेटिव। ठीक है, अब अगर इसको मैं रन करवाऊँगा तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं -5 दे रहा हूँ तो ये दिखा रहा है नेगेटिव नंबर, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे +5 दे रहा हूँ तो देखिए ये दिखा रहा है पॉजिटिव नंबर। ठीक है, आई होप कि आप सबको इफ भी समझ में आया होगा और ये दोनों प्रोग्राम भी समझ में आया होगा, मगर मैं और एक प्रोग्राम आपको समझाना चाहता हूँ। और ये प्रोग्राम जो है ये क्या है, ये प्रोग्राम अभी हम लोग जो देखेंगे उसमें हम लोग फंक्शन इवन है या ऑड है, नंबर इवन है या ऑड है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो मैं यहीं पे समझा दे रहा हूँ, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे यूजर से हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, एक नंबर लेना ही पड़ेगा, मगर ये जो कंडीशन है यहाँ पे हम लोग का चेंज हो जाएगा। हम लोग बोलेंगे इफ एन मॉडुलस 2 इक्वल टू जीरो अगर होता है तो वो इवन होगा, अदरवाइज वो इवन नहीं होगा। अब रहा सवाल कि ये मॉडुलस क्या होता है, तो देखिए आप सबको पता होना चाहिए कि इसका काम क्या होता है, ये ऑपरेटर का काम क्या होता है, ये रिमाइंडर रिटर्न करता है। रिमाइंडर रिटर्न करता मतलब अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करूँगा तो क्या होगा, मेरे को रिमाइंडर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है ना, अब दुनिया का कोई भी इवन नंबर को पकड़िए आप, कोई भी इवन नंबर, जैसे आपको पता है कि 2 एक इवन नंबर होता है, 12 भी एक इवन नंबर होता है, 20 भी एक इवन नंबर होता है, इस प्रकार से जितना भी इवन नंबर है वो आप पकड़िए, और उसके बाद में आप उसका मॉडुलस निकालिए 2 के साथ, टू के साथ मॉडुलस निकालने के का मतलब ये है कि जब कोई भी इवन नंबर को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या मिलेगा मेरे को, हर एक केस में रिमाइंडर मेरे को 0 मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये कंडीशन से क्या चेक करवा दे रहे हैं कि अगर कोई नंबर है और जब उसको हम लोग उसका मॉडुलस निकाल रहे 2 के साथ और अगर वो 0 मिलता है तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो नंबर इवन है। अब इवन हम लोग चेक कर लिए तो जो रेस्ट ऑफ द नंबर होगा वो क्या होगा, ऑड होगा, क्योंकि बता नंबर सिस्टम में देखिए अगर आप इवन ऑड का बात करेंगे तो दो ही प्रकार का नंबर मिलेगा, मतलब जितना भी नेचुरल नंबर में 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में या तो वो नंबर क्या होगा, ऑड होगा, या तो वो नंबर इवन होगा, है ना। तो चलिए इसको हम लोग अब प्रोग्राम के थ्रू भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या चेंज करना पड़ेगा, ऊपर में इंटर ए नंबर वैसे ही मैं रहने दूंगा और जस्ट यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं मॉडुलस साइन दे दूंगा और यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगा इक्वल टू जीरो,
और एक बात है कि यहाँ पे जैसे मैंने ब्रैकेट दिया, अगर आप ब्रैकेट नहीं भी देना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना ब्रैकेट का भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एन मॉडुलस टू इक्वल टू अगर 0 हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपका इवन नंबर है, और अगर ये नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि ये आपका ऑड नंबर है। इसको मैं एक बार फिर से रन करता हूँ, F5 देन इंटर, और यहाँ पे मैं अभी एक ऑड नंबर दे रहा हूँ, 5 इज़ ए ऑड नंबर ना, तो देखिए अभी यहाँ पे ऑड दिखा रहा है। उसी प्रकार से फिर इसको दोबारा मैं यहाँ पे रन करूँगा, और अभी मैं यहाँ पे एक इवन नंबर दे रहा हूँ जो कि 8 है, और इंटर मार रहा हूँ, तो देखिए अब ये आपका क्या दिखा रहा है, इवन नंबर दिखा रहा है, ठीक है। तीन प्रोग्राम हम लोग देखे हैं, और एक प्रोग्राम देखते हैं हम लोग, ताकि और अच्छा तरह से आपका इफ़ और एल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। दूसरा जो प्रोग्राम हम लोग देखने वाले, इसमें क्या करेंगे कि यूज़र से हम लोग दो नंबर लेंगे, यूजर से हम लोग क्या करेंगे, दो नंबर लेंगे। तो मान लीजिए कि एक वेरिएबल मैं N1 ले लूँगा, और यूजर से मान लीजिए कि मैं 8 ले लूँगा, और फिर एक वेरिएबल मैं N2 ले लूँगा, और मान लीजिए कि 6 ले लेंगे। अब ये दोनों में बड़ा कौन है, हम लोग को तो दिख रहा है कि 8 बड़ा होता है, मगर हम लोग कंपाइलर के जरिए पाइथन को कैसे समझाएंगे, कंप्यूटर को कैसे समझाएंगे कि 8 बड़ा है। तो उसके लिए फिर से हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इफ़ यूज़ करेंगे, और हम लोग बोलेंगे कि अगर N1 जो है अगर N2 से बड़ा होता है तो फिर यहाँ पे प्रिंट कर दो, यहाँ पे प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट करवा देंगे हम लोग, यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे कि N1 जो है वो ग्रेटर है, वो आपका ग्रेटर है, ऐसा यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे, और नहीं तो फिर हमारा एल्स वाला पार्ट आएगा, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवा देंगे कि जाहिर सा बात है दो नंबर है, अगर एक बड़ा नहीं हुआ तो इसका मतलब होगा कि दूसरा बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या प्रिंट कर देंगे कि भैया N1 अगर नहीं बड़ा है तो इसका मतलब ये है, इसका तात्पर्य ये है कि भैया N2 बड़ा होगा, तो यहाँ पे हम लोग ग्रेटर लिख देंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग पाइथन में करके देख लेते हैं, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो अब इस प्रोग्राम के लिए गौर करिएगा कि हम लोग को दो नंबर चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग को दो वेरिएबल चाहिए। अब एक वेरिएबल हम लोग N1 नाम से ले लेते हैं, और इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, और उसके बाद में यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे इसका नाम बदल कर मैं क्या कर दूँगा, N2 कर दूँगा। और उसके बाद अब यहाँ पे कंडीशन जो होगा वो हमारा बदल जाएगा, यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं बोलूँगा कि अगर N1 जो है वो N2 से बड़ा है तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि N1 जो है वो बड़ा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या दे देंगे, कॉमा दे देंगे, और उसके बाद यहाँ पे GRETER ग्रेटर में लिख दूंगा। सेम इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे N1 के जगह मैं N2 कर दूंगा, उसके बाद F5 एंड इंटर, देखिए उसके बाद मैं यहाँ पे F5 दबाऊंगा, और यहाँ पे अगर मैं 5 दे रहा हूँ और 6 दे रहा हूँ और इंटर मार रहा हूँ, तो देखिए 6 ग्रेटर दिखा रहा है ना, सही काम कर रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको इफ समझ में आया होगा, अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।